Funtouch TV channel presents Sarah's Kitchen, Pakistani cuisine and Indian cuisine recipes by Sarah Khan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल जीरा पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है मैं आपको बता देती हूँ। जिन व्यूज ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। उसके लिए सबसे पहले मैंने बासमती चावल ले लिए हैं। ये आधा किलो चावल हैं जिन्हें मैंने धो के पानी में भिगो दिया है, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। और सब्जियां ये आपकी अपनी मर्जी है, आप डालें या नहीं डालें या अपनी चॉइस की सब्जियां डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रोजन मटर है, मैंने आधा कप मटर लिए हैं, गाजरे हैं आधा कप गाजरे ले लिए हैं, आलू मैंने एक आलू लिया है उसे मैंने क्यूब कटिंग कर लिया है। अब मसालों में सिर्फ तीन चीजें जाएंगी इसमें, हम कोई प्याज टमाटर की ग्रेवी नहीं बनाएंगे, ये पुलाव हम जीरे से बनाएंगे। जीरे की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छा आपको एक फ्लेवर देगी। नमक जो है मैं तकरीबन डेढ़ छोटी चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ और काली मिर्च जो है वो आधी छोटी चम्मच। मसाला नमक और काली मिर्च आप अपने हस्बे जरूरत हस्बे जायका इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पैन में तेल जो है वो आधी प्याली डाल दें या अगर आप ज्यादा तेल पसंद करते हैं या कम, जिस तरह आपकी अपनी मर्जी है अपने हस्बे जरूरत तेल डालें। मैंने आधी प्याली तेल डाल दी है। अब तेल में जो ये जीरा है ये मैं एक टेबल स्पून जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसी के फ्लेवर से हमने ये पुलाव तैयार करना है। जैसे ही जीरे की खुशबू आने लगेगी साथ ही मैं सब्जियां जो है इसमें शामिल कर दूंगी। देखिए जीरा जो है वो गोल्डन हो गया है, इसकी खुशबू भी आने लगी है। अब ये जो सब्जियां मैंने आपको बताई थी ये इसमें हम शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से सब्जियों को फ्राई करेंगे। गाजर और मटर तो फौरन ही गल जाते हैं, आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन ये जाहिर है जब हम चावल बनाएंगे तो साथ साथ जो आलू में कसर होगी वो भी चावलों के साथ गल जाएंगे। कितना खूबसूरत ये कलर्स लग रहे हैं तीनों। तीन से चार मिनट हो गए सब्जियां फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। आधा किलो चावल है तो इसमें तकरीबन जो है छह प्याली पानी जाएगा और साथ ही ये जो नमक मिर्च मैंने आपको बताया था ये मैं शामिल कर दूंगी। अब पानी को जैसे ही उबाली आएगी इसमें हम चावल शामिल कर देंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आगे हमने इनको दम देना है। पानी को उबाली आ गई है, इसमें चावल शामिल कर दें आप। चावल जिस पानी में हमने भिगो के रखे हुए थे वो पानी आप बिल्कुल चावलों में से निकाल दें क्योंकि पानी जो है हमने नाप के डाला है छः प्याली, तो पानी जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तीन प्याली आप चावल बना रहे हैं तो उसमें आप हमेशा छः प्याली पानी डालें उसी प्याली से जिस प्याली से आपने चावलों को नापा है। अब इसे आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसका कोई खास कुकिंग टाइम नहीं है। अब जब ये पानी जो है चावलों का खुश्क हो जाएगा तो हम इसे दम पे रख देंगे। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ। चावलों का पानी देखें तकरीबन खुश्क हो गया है। अभी जो थोड़ा थोड़ा सा पानी है मैं अब चावलों को दम पे रख रही हूँ, जो चावल का बाकी पानी है वो दम में बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं चावलों को मैंने दम पे रखा हुआ था। देखें चावलों को बहुत ही अच्छा दम आ गया है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, जीरा पुलाव सब्जियों के साथ तैयार है। देखें कितने ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये झटपट रेसिपी तैयार कर ली है। कोई भी आपने इसमें ग्रेवियां नहीं बनानी है, ना कोई प्याज टमाटर का झंझट है और बहुत ही खाने में ये सिंपल और बहुत ही अच्छे फ्लेवर आपको इसमें आएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप इसे लाइक भी करिएगा और ये ट्राई भी करिएगा और फिर हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा।
बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाल के हमारी वीडियो को देखा। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।